दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में, आज के इस दिन के ब्लॉग में मैं आपको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दिखाने वाला हूं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सामने है और आर्ट्स का पूरा वीडियो हमने बना दिया था। आर्ट्स के सारे हॉस्टल लगभग कवर कर लिए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल कवर कर लिया गया है और बिरला बी, बिरला ए, बिरला सी तीनों हॉस्टल, मतलब चार हॉस्टल कवर कर लिए गए हैं। एक गर्ल्स हॉस्टल बचा, तो गर्ल्स हॉस्टल के लिए देखेंगे, कोई गर्ल्स मिलता है तो हम उससे एक वीडियो की गुजारिश करेंगे कि एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव बना करके आप लोग को दिया जा सके। आज हम आए हैं सोशल साइंस फैकल्टी में और सारा एक ब्लॉग दिखाने वाले हैं। आर्ट्स फैकल्टी का दिखा चुके थे। आर्ट्स फैकल्टी एक बार मैं आपको फिर से रिकैप करा दूँ तो ये ऐसा है, मौसम कुछ ऐसा है और देखेंगे तो ढेर सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं, रैंप बना हुआ है फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए। फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए हॉस्टल में ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सोशल साइंस फैकल्टी का ढेर सारे हॉस्टल्स हैं, जैसे कि ANDE, मूना देवी, उसके बाद राजा राम, उसके बाद पंडित ब्रजनाथ हॉस्टल। तो गर्ल्स हॉस्टल की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बॉयज़ हॉस्टल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल की पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने बना दी है। वीडियो काफ़ी बड़ी बड़ी है। आप सिर्फ वीडियो का नाम, मतलब हॉस्टल का नाम सर्च करेंगे फैकल्टी के साथ, आपको ANDE देखना है। ANDE हॉस्टल फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखिए, आपको पूरा हॉस्टल दिख जाएगा। तो इसी तरीके से ये रैंप जो बना है वो फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए बना है, जो ऐसे घुस के आगे जाते हैं और उनको व्हील चेयर से जाने में थोड़ी आसानी पड़े, इसलिए वो ये पाथ चुनते हैं। ये पाथ इसलिए बनाया भी जाता है। मैं आपको दिखा दूँ, सामने आर्ट्स फैकल्टी है और हम अगर ठीक सामने खड़ा होंगे तो आर्ट्स फैकल्टी से सामने दिखेगा और उसके बाद आपका सोशल साइंस फैकल्टी दिखेगा। हमारे सोशल साइंस फैकल्टी का कहीं बोर्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि बोर्ड पर ढेर सारे पोस्टर चिपका दिए गए। वहाँ पे राजनीतिक विज्ञान विभाग लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आप बस, मैं एक ही चीज़ दिखाऊंगा कि सोशल साइंस बिल्डिंग देखने के लिए आपके पास बस ये चीज़ है और आर्ट्स फैकल्टी का बिल्डिंग देखने के लिए आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो कंजस्टेड नहीं बोल सकता, इसका डिपार्टमेंट पीछे बना हुआ है, मतलब एक रोड छोड़ करके पीछे डिपार्टमेंट है। ये सिर्फ फैकल्टी है, फैकल्टी में कुछ नाम लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। ये न्यू PG बिल्डिंग और ओल्ड PG बिल्डिंग, वो CHC बिल्डिंग है। ओल्ड CHC बिल्डिंग, आपका कभी भी काउंसलिंग हो तो आप ओल्ड CHC बिल्डिंग, मतलब आर्ट्स फैकल्टी में ही आएंगे। तो आज आपको हम ओल्ड PG बिल्डिंग दिखाने वाले हैं। कुछ इस तरीके का गेट है घुसने के लिए, आप देख सकते हैं। ये नोटिस बोर्ड के लिए लगा होता है हमेशा के लिए, जहां वह अपना एकेडमिक रोल नंबर और कितना परसेंट आपका अटेंडेंस जुटा है एक सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने के लिए, ये सब यहां पे लगा होता है। आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। टोटल 700 लोग एक सेमेस्टर में, मतलब एक सत्र में, एक मतलब एक साल में 700 लोग का एडमिशन होता है और लोग पढ़ने आते हैं। काउंसलिंग के लिए काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं BHU कराता है, साथ में यहां पे स्टूडेंट यूनियन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ISA, BCM, भगत सिंह छात्र मोर्चा, सब लोग थोड़े थोड़े कैंपेन करते रहते हैं कि लोगों को आसानी हो फैकल्टी खोजने में। ये फैकल्टी लगभग BHU से 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा, BHU गेट से 2 किलोमीटर दूरी पे है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बगल में है। आर्ट्स फैकल्टी आपको दिखा दिया था, ANDE हॉस्टल दिखा चुके हैं, राजाराम हॉस्टल दिखा चुके हैं, ब्रजनाथ हॉस्टल दिखा चुके हैं और मूना देवी हॉस्टल दिखा चुके हैं। एट लास्ट बचा आपका फैकल्टी, तो एक राउंड सिर्फ फैकल्टी का हम लोग ले रहे हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। मालवी जी की एक अच्छी यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस BHU। ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। AK उपाध्याय यहाँ के HOD होंगे, इसलिए विभागाध्यक्ष अब HOD लिखा हुआ है। कौटिल्य का फ़ोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है।
आप देख सकते हैं ये उपाध्याय जी का केबिन है, HOD है यहाँ के, 2021 चल रहा है अभी, 3 साल बाद कोई और रहेगा अब भगवान जाने, लेकिन सबको ऐसे ही कार्यभार संभालने के लिए दिया जाता है। और ये है टोटल हमारी सारी चीज़ें, APJ अब्दुल कलाम की भी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। ये सोशल साइंस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लासेस चलती हैं, PG की क्लासेस यहाँ पे नहीं चलती, PG की क्लासेस BG भवन में चलती हैं। और ये दरअसल संबोधि सभागार उसका नाम है, वहाँ पे सब चीज़ें चलती हैं। और मैं आपको अब सामने लेके चलता हूँ, ऐसे जो रैंप इधर बना हुआ है चलने के लिए, वो रैंप उधर भी सामने भी बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। कोई वॉशरूम है यहाँ का, देखते हैं वॉशरूम कैसा दिए हैं। मैंने LVS का वॉशरूम दिखाया था, तो थोड़ा सा ये लेडीज़ वॉशरूम है, तो मैं अंदर जाना वो नहीं, और जेंट्स बाथरूम में मैं जा सकता हूँ। देखते हैं BHU में बाथरूम की क्या सुविधाएं होती हैं, कैसा बाथरूम होता है। ये देखिए ये हजारों करोड़ों रुपए मिलते हैं BHU को, और एक ऐसा बाथरूम मतलब 5 स्टार से भी कम नहीं है, ये आप एकदम अच्छे से उतर पाएगा सब कुछ अच्छे से। तो ये है हमारा वॉशरूम, फैकल्टी में बस वॉशरूम करने की सुविधाएँ लगी हुई हैं। फैकल्टी एक तरह के जंगल है पूरा, अगल बगल हर जगह पेड़ आपको दिखते रहेंगे। और अभी हम चलते हैं वॉशरूम से बाहर, इसे वैसे नोटिस बोर्ड ढेर सारे लगे होते हैं, क्योंकि ढेर सारे डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज़ हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि इंग्लिश डिपार्टमेंट किधर पड़ता है, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट का गेट वो एकदम जैसे हम लोग उधर लास्ट गए वैसे इधर भी वो लास्ट है, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट का गेट वो सामने रहा, उधर से एंट्रेंस है इंग्लिश डिपार्टमेंट का, एक अलग से दरवाज़ा दिया गया है, वहीं से खुलता है। और आप देख सकते हैं, सच्चाई के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, पानी पीने और वाटर कूलर की सुविधाएं कुछ ऐसी लगी हुई हैं, ठंडा पानी है आप पी सकते हैं। एक अच्छी प्रतिमा है गणेश की, बड़ी बड़ी टीवियां लग रही हैं, स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं BHU में, लगभग 4D 5D क्लासेस बनाए जा रहे हैं। अब वो 5D क्या है नहीं पता, बस बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ये था पूरा सोशल साइंस फैकल्टी, अब आपको निकलते ही सोशल साइंस फैकल्टी के गेट से आपको तुरंत आर्ट्स फैकल्टी दिखेगा। साफ सफाई चल रही है अच्छे से, पता नहीं उनको पैसे भी दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते। ये है आपका सोशल साइंस फैकल्टी, ऊपर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़। तो इसी तरीके से हमारा सोशल साइंस फैकल्टी आज समाप्त हुआ, मतलब वीडियो के ब्लॉग के माध्यम से समाप्त हुआ। और मैं एट लास्ट आपसे कुछ बोलना चाहूँगा, जितने भी डिपार्टमेंट और फैकल्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि NIRF के रैंकिंग से BHU नंबर 3rd पे आती है। तो यहाँ की जो चीज़ें हैं 100 साल पुरानी है लगभग। हमने आपको राजा राम ANDE हॉस्टल दिखाया, मुना देवी तो नया बना हुआ है, लेकिन जितने भी हॉस्टल्स हैं पुराने हॉस्टल्स हैं रेनोवेट अंदर से किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से की जा रही हैं, लेकिन आर्किटेक्चर को तो तोड़ के नहीं बदला जा सकता। तो आर्किटेक्चर अतुलनीय है, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते इस आर्किटेक्चर को किसी अलग आर्किटेक्चर से। अब जैसे कि आर्ट्स फैकल्टी मैंने आपको दिखाया, तो एक अलग सा आर्किटेक्चर बना हुआ है और इसका अलग सा आर्किटेक्चर। तो आर्ट्स फैकल्टी इज़ अ ओरिजिनल एग्जाम्पल ऑफ इंडो गोथिक आर्किटेक्चर, और अब इसका पता नहीं क्या नया बना हुआ है, तो नए का क्या आर्किटेक्चर होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो इंडो गोथिक आर्किटेक्चर होता है वो टेम्पल से लिया गया है, टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो इसी तरीके से हमने आपको पूरा सोशल साइंस फैकल्टी कवर करा दिया, अंदर से भी दिखा दिया, बाथरूम भी दिखा दिया,
अब आप सोशल साइंस फैकल्टी के सारे हॉस्टल देख लो, हमने सारे हॉस्टल कवर कर दिए, मतलब ये सोशल साइंस कवर कर दिया, और इसमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं किस हॉस्टल में रहेंगे वो सब भी कवर कर दिया है, पूरा ईच एंड एवरी प्रोसेस के साथ। कैसा प्रोसेस, कट ऑफ क्या होगा, पीएच के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, बाथरूम कैसी है, मेस कैसा है, क्या कितना पैसा लगता है एक हॉस्टल में रहने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग हमने डॉक्यूमेंट कर दिया है। तो जुड़िए हमारे स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग के सीरीज़ में, स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग आपके लिए हर एक वीडियो एजुकेशनली लेकर के आएगा। एजुकेशनली का मतलब कि हमेशा हमारा जो क्राइटेरिया है दिखाने का वो 13 साल से लेकर के हमको लगता है कि 80 साल 85 साल 90 साल तक लोग जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि एलुमिनाई यहाँ के बहुत पुराने पुराने लोग हैं, और वो भी देखें कि हमारा फैकल्टी आज के समय में कैसा दिख रहा है, उसके समय में कैसा था, और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें दें, ताकि हम भी इनकरेज हों, एलुमिनाई भी दें और देखने वाले आने वाले छात्र भी दें, और जो इस समय पढ़ रहे हैं वो भी दें, ताकि एक रिव्यू मिल सके कि हाँ आपकी फैकल्टी और डिपार्टमेंट कैसे हैं, लोग क्यों पढ़ने आए इसमें। तो इसी तरीके से इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ, मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। बहुत गर्मी है, उमस का माहौल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करिएगा।